तो जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप मेरे पिछले व्लॉग में देखा, मैं अभी यहाँ श्रीनाथ जी हल्दी घाटी इधर घूम रहा हूँ। तो मैं आया हुआ हूँ अभी नाथद्वारा में स्टैचू ऑफ बिलीफ के यहाँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे शिव शंभू जी की बड़ी सी मूर्ति है। तो अभी चलते हैं और टिकट्स लेते हैं। और ये पार्किंग एरिया है, मैं थोड़ा बहुत आपको वीडियोज़ बता दूंगा। और ये टिकट काउंटर है, इसके बाद हम चलेंगे अंदर। तो ये है टिकट काउंटर, आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। और टिकट के प्राइजेस है, अगर आप सिर्फ पार्क तक जाते हो तो 200, और 280 फीट तक जाते हो तो 400, और ऊपर जाते हो 315 फीट तक तो आपका लगेगा, जो आप चोटी में देख रहे हैं ना, यहाँ लगेगा आपका 1500 रुपीज़ पर पर्सन। विश्व स्वरूपम का एंट्री गेट, तो चलते अभी अंदर। देख सकते हो ये यहाँ पे बजरंग बली जी की मूर्ति, जय श्री राम। और ये अभी टिकट काउंटर यहाँ से है, तो चलते हैं। तो यहाँ आपका टिकट स्कैन होता है और उसके बाद ये मिरर्स खुलते हैं और आपको फिर एंट्री मिलती है। ये ऐसा अभी जा रहे, देख इधर से भी है बट अभी क्या ये बंद कर रखा है। बिलीफ का ये मेरे पास विजिटिंग पास है और ये है 280 फीट तक का। तो अभी चल रहा हूँ मैं वहाँ पे और अभी बताते हैं मैं आपको स्टैचू ऑफ बिलीफ जाके। वैसे पार्क का ये है कि पार्क आप सुबह से लेकर शाम तक घूम सकते हो। पार्क का टिकट 200 है जैसा कि मैंने बता दिया है, और 280 फीट तक 400, और टॉप में जाते हो 351 फीट में तो 1500 पर पर्सन है। और यहाँ पे भजन टाइप से कुछ चल रहे तो आपको सूदिंग सा लगेगा। वैसे ये खुलता है मॉर्निंग 10 o'clock और शाम को रात को भी 10 बजे तक रहता है, लेकिन एंट्री 8 बजे क्लोज हो जाती है। 8 बजे लाइट शो चलता है यहाँ पे, जो कि काफ़ी सुंदर होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये यहाँ पे बैठने के हैं और यहाँ पे देखो आप जैसे पूरा बना रखा है ताकि धूप वगैरह छाँव के मैं बैठ सको। और ये रहा स्टैचू ऑफ बिलीफ, जय शिव शंभू। ये गेट है यहाँ पे, यहाँ से एंटर हुए और ये भी ऊपर जा रहे, जय शिव शंभू। हमें एंट्री गेट पर, मैं एक मिनट आपको भी बताता हूँ। जय शिव शंभू शिवलिंग, वो नंदी जी। चलते हैं अंदर। यहाँ पे लिखा है विश्व स्वरूपम तत्पदम भोलेनाथ जी, जय भोलेनाथ। और ये यहाँ पे बना हुआ है घंटी जो कि वर्किंग में तो नहीं है अभी। यहाँ पे शूज स्टैंड, आप अपना शूज लग सकते हो। चल रहे हैं ऊपर अभी, जय श्री शंभु। चलते दिखाते हैं मेंट्रो, धूप है अभी। ये देख रहे विश्व स्वरूप शिव जी के अंदर का हॉल, यहाँ से एंट्री हुई है और एंट्री होने के साथ ये एंट्री होने के साथ ये बैंड बांध दिया मुझे, जो कि जो जो जहाँ जहाँ जाता है उसके बाद। बैठने के लिए हॉल्स भी है और फुली एसी है। और ये बेंचेस, यहाँ पे विश्व स्वरूपम का व्यू चल रहा है, ताकि अगर वेटिंग में हो तो लेके जाएंगे हमको। तो लिफ्ट से अभी 11th फ्लोर पे आए और कुछ 5-6-7 सेकंड लगेंगे यहाँ आने को। अभी हम खड़े 280 फीट एलिवेशन पर। और ये नाथद्वारा सिटी देख सकते हैं। हाँ ये आप देख सकते हैं यहाँ से कितना नीचे है। और हम राइट शोल्डर पर खड़े शिव जी के, और यहाँ पे से जाली लगी हुई है। यहाँ से चलते आगे ग्लास हाउस में, भी है भैया ग्लास वॉल पे। सच में डर लगता है यार, जैसे आप किस पे ग्लास पे वॉक कर रहे हो अभी इतना 280 हाइट पे होकर। हवा बहुत प्यारी चल रही है यहाँ से, एंड रिस्क है ग्लास ही।
आप देख सकते हो प्योर ग्लास है। और जैसे नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको, नीचे आपके कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपको ऐसा लगता है नीचे चले जाओगे, बट एक्चुअली ग्लास है और सेफ तो होगा ऑब्वियस बात है। चल रहे और व्यू देख लीजिए, रिस्क है बाकी ये व्यू देख लीजिए, विरश नहीं है इतना। फिर मेरे पीछे एक ग्लास हाउस, इस पर वॉकिंग करके आए और ये नीचे, ये 280 फीट एलिवेशन है, बहुत हाइटेड है, हवा बहुत प्यारी चल रही है और यहाँ पे पूरे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है उसे पूरा आप पैनोरमा व्यू ले सकते हैं, इवन लेक्स वगैरह सब कुछ विजिबल है क्लियरली। त्रिशूल भोलेनाथ जी का पहले लेफ्ट शोल्डर पे था, राइट शोल्डर पर है। हाँ जी देख लो आराम से, यहाँ से ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, उस साइड जैसे पूरा पार्क व्यू रहता था, इस साइड पूरा सिटी व्यू है, नाथद्वारा सिटी का। ये जस्ट इनका फेस कट है, कान का कुंडल है, इस साइड त्रिशूल वाला हिस्सा है, पीछे की जटाएं हैं इनके, जो पैर का भी उतना ये साइड देख सकते हो, ताकि इनके बुलबुलिया दोनों साइड में गार्डन है, उस साइड बड़ा बुलबुलिया एंड सामने छोटा, तीनों वाटिकाएं बनी हुई हैं, हर्बल गार्डन बने हुए हैं, म्यूजिकल फाउंटेन चलता है, उसके आगे की तरफ लक्ष्मी झूला है, जायंट्स इनके अलावा बहुत सी एक्टिविटी है उस गेम्स में। इस साइड ये फूड कोर्ट का पूरा है, उसमें सारी चीज़ें मिल जाती है खाने के लिए अवेलेबल है, एंड ऐसे ही रेस्ट करने के लिए जैसे जो पिटर बना हुआ है गजीबो, इसमें आराम से रेस्ट कर सकते हो, ताकि पूरा है फोटोग्राफी के लिए बेस्ट पॉइंट है नंदी स्टेचू एंड बैक साइड जो सर्कल है संगम स्थल, ये दोनों फोटोग्राफी के पॉइंट्स हैं। और जंगल कैफे बने हुए हैं और शाम को शो भी चलता है 8 से 8:30, तो जो शो सर्कल में बैठ के देखने का रहता है। ओके आराम से देखो, फोटोग्राफी करो। सो अभी भैया ने गाइड किया हमें पूरा बताए और बस अभी फोटोज वोटोज क्लिक करवाते और चलते हैं। ये यहाँ से जालियाँ भी बनी है, हवा आ रही है, अभी ऊपर से ऊपर वापस नीचे आ चुके हैं। स्टैचू ऑफ बिल विश्व स्वरूपम, यहाँ पे शॉप्स है जहाँ पे टी शर्ट्स है, स्टैचू सोवेनियर शॉप है जहाँ से आप सोवेनियर्स ले सकते हो, काफ़ी सारे अवेलेबल है, ये टॉयज एंड ये एग्जिट, यही था। इनलिए पीछे कैंटीन है, आप नाश्ता पानी खाना पीना कर सकते हैं, और थोड़े रेट्स हाई है बट ठीक है, अगर आपको खाना है तो खा सकते हैं आप। एंड आपने देखा अभी ऊपर जाके आए, 280 फीट एलिवेशन, ग्लास वॉक एंड एवरीथिंग। अभी आगे चलते देखता हूँ कितना क्या है, और धूप काफ़ी तेज है। एक तो एंट्री गेट वापस से आ चुके हैं, एंट्री एग्जिट यही है, यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी होते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, आप ऐसे लॉबस्टर बोट ऐसे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे जो आप कर सकते हैं। अभी वापस जा रहे हैं मेन गेट की तरफ, और अगर आप ये व्हीकल लेना चाहते हैं ना, गोल्फ कार्ट वाली कार, तो ये भी हो जाएगी आपको, इसके लिए आपको देना है 100 रुपीज़, 50 जाने का और वापस आने का भी इंक्लूडेड है इसमें। अभी स्टैचू ऑफ बिलीव देख के आ चुके हैं, रश नहीं है अभी, और टाइमिंग भी समथिंग 12 बजे का हो रहा है, तो मतलब भीड़ हमको ज़्यादा नहीं मिली, हमने अच्छे से दर्शन कर लिए। ऊपर भी गया था मैं, और ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू आता है पूरी सिटी का, एंड यहाँ पे रात को वो लाइट शो भी चलता है जैसा कि वो भैया ने बताया था हमें, आपने वीडियो में देखा ही होगा। आई होप आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे, और थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो, और जगह जाने का और वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अभी तो बाहर चलते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आपको अगर कुछ होता है। वेल यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, और ये यहाँ पे शिव भजन चल रहे हैं आराम से, जो आपको काफ़ी रिलीफ देंगे और सूदिंग से हैं, तो आई होप आप यहाँ आइए विज़िट कीजिए, बहुत अच्छी लोकेशन है, और ये गार्डन टाइप बना हुआ है पूरा, रोड्स भी काफ़ी चौड़े हुए हैं।
मेन एंट्री गेट, यहाँ से ही गए थे हम और इधर एग्जिट बस जा रहे हैं अभी। पार्किंग सब निकल दिए हैं वापस और ये स्टेचू ऑफ रिपब्लिक। चलिए चलते हैं और होता है कुछ तो मैं बताता हूँ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाद अभी रुके हैं यहाँ चाय कॉफ़ी के लिए, ये पा रहे था रेस्टोरेंट कहीं हाईवे पे, तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं चाय कॉफ़ी पी के, स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी। सो फाइनली गाइज हम कोटा पहुंच चुके हैं, आप देख रहे हैं नया पूरा बस स्टैंड। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो आई होप You all are good. So thank you so much. मिलते हैं अगले किसी next trip में और नई destination पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।